मैं हूं नूरुल्ला और आप लोग देख रहे हैं नूरुल्ला ऑफिशियल। 1 अप्रैल 1936 को डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए और इनका ताल्लुक उर्दू बोलने वाला पश्तून खानदान से था, जबकि उनका वालिद का नाम अब्दुल गफ्फार था और उनकी वालदा का नाम ज़लीखा थी। जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की कराची के शहर में आबाद हुए। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए हॉलैंड चला गया। हॉलैंड से उसने साइंस की मास्टर डिग्री हासिल की, जबकि उसने बेल्जियम से अपनी डॉक्टरेट अपनी इंजीनियरिंग की और तब 1976 में वो पाकिस्तान वापस लौट आया। इस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तकसीर बनाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था एटमी प्रोग्राम। तब 31 मई 1976 को इसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस इदारे ने यूरेनियम की अफसूदगी में नुमाया मकाम हासिल किया। वो हुकूमत की यूरेनियम अफसूद की मंसूबे का इंचार्ज भी बन गया। बाद में 1 मई 1981 को सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने इंस्टीट्यूट का नाम तब्दील करके डॉक्टर खान रिसर्च लेबॉरेटरी रख दिया। हॉलैंड की हुकूमत ने डॉक्टर कदीर खान पर अहम मालूमात चुराने की मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन जब इन इल्ज़ाम का जायज़ा लिया तो मालूमात अहम किताबों में भी मौजूद थी। तब हॉलैंड की अदालत आलियाना उनको बाइज़त बरी कर दी। अगर 1982 में एटम बम तैयार किया गया था जिसका कामयाब तजर्बा 28 मई 1998 ईस्वी को किया गया था, जिसे न सिर्फ पाकिस्तानी को बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मोराल भी बुलंद हुआ और दुनिया के साथ एट में ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो गया। हॉलैंड में क्याम के दौर डॉक्टर कदीर खान ने एक मकामी लड़की हिना खान से शादी की जिनसे उनके दो बेटियां हुईं। और बदकिस्मती से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल 10 अक्टूबर 2021 को 85 साल की उम्र में हुआ। जब उन्होंने 19 कवेट के लिए मुस्बत तजर्बा किया तो 26 अगस्त को अस्पताल में दाखिल थे। इतलात के मुताबिक वो एक तवील तकलीफ के बाद इस बीमारी से फौत हो गया।